बड़ी आश्चर्यजनक बात है, जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुई तो पराकाष्ठा हो गई है जो सुनने में आ रहा है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक आपके ऊपर गोलियां बरसने लगे। जी हाँ, ये कोई फिल्मी नज़ारा नहीं बल्कि बिहार के बेगूसराय में जंगल राज की वापसी का बड़ा उदाहरण सामने आ रहा है। बेगूसराय में अपराधियों के एक ही गिरोह ने नेशनल हाईवे पर कम से कम आधा दर्जन जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। अपराधियों की गोली से अब तक एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 10 लोगों की गोली लगी है। बेगूसराय के SP कह रहे हैं कि पूरे जिले की नाकेबंदी कर दी गई है और अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि अपराधियों ने बेमकसद सड़क पर खड़े हुए लोगों पर गोलियां बरसाई है। उन्होंने ऐसे लोगों को शिकार बनाया है जिसका कोई आपराधिक इतिहास या संलिप्तता नहीं है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने नेशनल हाईवे 31 और 28 पर आधा दर्जन जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बेगूसराय जिले में ही ये दोनों नेशनल हाईवे मिलते हैं। वहीं इस घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार बदमाश आधुनिक हथियार से लैस थे, वह नेशनल हाईवे पर निकले और अपने हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर से जंगल राज की वापसी हो गई है और खुलेआम लोगों को गोलियां मारी जाएंगी, लूट की घटनाएं होंगी या अन्य अपराधों को अंजाम दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस सरकार में अपराध पर कैसे नियंत्रण लगता है, क्योंकि अपराध और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और अपराध बढ़ते जा रहा है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ तो पराकाष्ठा हो गई है। जो सुनने में आ रहा है कि कोई अपराधी वहाँ NH 31 पर गोधना के पास से लगातार आधारपुर तक गोलियां चलाता रहा और उसमें शायद 5-6 लोग जख्मी हुए हैं। जानकारी मिली है कि उसमें एक लोग मर भी गए हैं और बाकी लोग घायल हैं बुरी तरह से। तो ये तो पूरी तरह से अपराध का और अपराधियों का मनोबल बिल्कुल बढ़ गया और यही मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से ऐसा कभी नहीं हुआ था। अंधाधुंध गोली बिना कारण चला करके जिस तरह से आज घटना हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। जिला स्पीच में मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे अपराधियों के मनोबल को कुचलने के लिए तुरंत प्रयास होने चाहिए। जनता का राज देखिए क्या है, आप ये देख रहे हैं कि अपराधी किस तरह से उसके मनोबल बढ़े हुए हैं, कैसे सड़कों पर धनाधन गोलियां चला रहा है। जैसे आतंकवादी जा करके गोली चलाता है, उस तरह से गोली चला है और उसमें लोग आज 5 लोग घायल हुए हैं, 1 लोग तो मर भी गए, बाकी लोग जो हैं वो उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है।